हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे आगे। हम लोग सीख रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारा रूल नंबर आज चलेगा 11, क्योंकि इससे पहले 3 वीडियोस में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर बना चुका हूं, जिसमें 10 रूल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज डे 4 है और डे 4 का रूल नंबर 11 है दोस्तों। तो सबसे पहले चलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर लेते हैं, ये क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोस्तों हम उसे कहते हैं जब किसी सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या जेंडर के अनुसार उसकी वर्ब को रखना क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल लगेगी। अब दोस्तों यही बात सिखाई जा रही है कि हम कैसे पहचाने सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। नॉर्मली तौर पर तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन जो है कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर कंपाउंड सेंटेंस के रूप में आ जाए या किसी और सेंस में आ जाए तो हम सब्जेक्ट को नहीं पहचान पाते कि ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई मान लीजिए सपोजिशनल सेंटेंस हो, यानी कि कोई भी कोरी कल्पना व्यक्त की जा रही हो, या मान लीजिए कि हमने अपनी कोई इच्छा व्यक्त की और वो इच्छा पूरी होने की संभावना बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, तो वहां पर हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब वर का प्रयोग करते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं कि मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है जिसमें कल्पना व्यक्त की जा रही है, लेकिन उस कल्पना या इच्छा का पूरा होना, या तो बिल्कुल वो कोरी कल्पना है यानी कि फर्जी एकदम कंडीशन दे रखी है जिसको पूरा किया ही नहीं जा सकता। जैसे अगर मैं एक हिंदी का सेंटेंस बोल करके दिखाऊं, जैसे मैंने कहा काश कि मैं चिड़िया होता। अब देखो ना तो मैं कभी चिड़िया हूंगा तो मैं आसमान में उड़ रहा होता, तो ना मैं कभी चिड़िया बन पाऊंगा ना ही आसमान में उड़ूंगा, ये मेरी कैसी इच्छा है, एक फर्जी इच्छा है। ओके, तो कोई ऐसी इच्छा जिसके पूरे होने की संभावना ना के बराबर हो या बिल्कुल नहीं हो, तो वहां पर हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं, कंडीशन ध्यान रखना। और ये सेंटेंस ज्यादातर इफ एज इफ ऑल्दो इफ ओनली सपोज आई विश बी विश ही विशेस सी विशेस से शुरू होते हैं। तो इनमें कोरी कल्पना या असंभव शर्त का बोध होता है दोस्तों। ये एक असंभव ही है कि काश कि मैं एक चिड़िया होता तो आसमान में उड़ रहा होता, तो ना मैं कभी चिड़िया बनूंगा और ना ही मैं आसमान में उड़ूंगा, ये कैसी एक असंभव शर्त है। तो दोस्तों अगर ऐसी कोई कंडीशन वाक्य में लग रही है तुमको, तो चाहे सब्जेक्ट का नंबर पर्सन कुछ भी हो, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आप किसका प्रयोग करोगे, वर का प्रयोग करोगे। तो अब आपको कंडीशन बेहतरीन तरीके से समझ आ गई। जैसे आई विश मनीषा डैश माई वाइफ, मेरी इच्छा है कि मनीषा, अभी मनीषा इज नॉट माई वाइफ बट मेरी इच्छा है कि मनीषा मेरी वाइफ होती। ओके, तो क्या है इसकी संभावना, या तो नहीं है या ना के बराबर है, बट मैंने किसी खूबसूरत चेहरे को देखा और अपने मन में एक इच्छा व्यक्त कर ली, तो वो इच्छा दोस्तों ऐसी इच्छा जिसके पूरे होने की संभावना ना के बराबर हो या बिल्कुल ना हो, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हम चाहे फिर वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, किसका सॉरी वर का प्रयोग करेंगे। तो देखो दोस्तों आई विश मनीषा वर माई वाइफ। ओके, इसी तरीके से इफ ही माई बॉस, यदि वो मेरा बॉस होता तो ही वुड सस्पेंड मी, वो मुझे सस्पेंड कर देता। यदि वो होता तो सस्पेंड करता ना, ये मेरी क्या थी, कल्पना थी, एक मैंने कल्पना कर ली, अगर यार ये मेरा बॉस होता ना, अच्छे को ये मेरा बॉस नहीं है, अगर ये मेरा बॉस होता ये तो मुझे सस्पेंड ही कर देता, तो ऐसी कल्पना करना। ओके, तो जिसकी पूरे होने की संभावना ना के बराबर हो या बिल्कुल ना हो, तो प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों एरर में आपको, क्योंकि हम हमेशा पढ़ते हैं ही के साथ बाज आएगा, और यहां पर एरर में बाज ही दिया होता और जिसको हम क्या कर सही मान लेते और अच्छे से एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाते दोस्तों। तो यहां पर कोरी कल्पना की बात की जा रही है, असंभव शर्त की बात करी जा रही है, ना वो मेरा बॉस होगा ना वो मुझे सस्पेंड करेगा,
तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विश डैट, मेरी इच्छा है कि आई, अब दो वर्ब आपके साथ दोस्तों दे रखी हैं, कौन सी आएगी, मेरी इच्छा है कि मैं एक चिड़िया होता। तो देखो ये मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा तो कुछ भी हो सकती है, मैं कल्पनाओं में कहीं पर भी घूम सकता हूं। सबसे खूबसूरत दुनिया काल्पनिक दुनिया होती है, जहां पर जो मन करे वो सोचते रहो, जहां मन करे वहां घूमते रहो, जिससे मन करे उसको जो भी आपके मन में आए वो बोल दो। काल्पनिक दुनिया जो है वो सबसे खूबसूरत दुनिया होती है, जहां पर किसी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता दोस्तों। तो ऐसी काल्पनिक दुनिया में जाकर के आप अगर बात करते हो तो वहां पर दोस्तों हम हमेशा प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसी तरीके से वुड डैट, और वुड डैट का मतलब यहां पर होता है काश। जैसे हम कहें काश कि मैं एक शिक्षा मंत्री होता जिसको पूरा होने की संभावना ना के बराबर है दोस्तों, ना तो मैं कभी शिक्षा मंत्री बनूंगा, बट मेरी इच्छा है काश कि मैं एक प्रधानमंत्री होता। ओके, तो वुड डैट आई, अब यहां पर दोस्तों अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, इच्छा व्यक्त की जाए जिसके पूरे होने की संभावना ना के बराबर हो या बिल्कुल नहीं हो, तो वहां पर प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आपको मुझे लगता है बेहतरीन तरीके से ये कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर कोई कंडीशन सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस दे रखा है और उसमें जो है रियल स्थिति को अवगत कराता है, तो दोस्तों वो जो सब्जेक्ट आएगा वो अपने नंबर, पर्सन और जेंडर के अनुसार ही आएगा। तो ये बात विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, ये वो कंडीशन है, सिर्फ दो कंडीशन में, या तो कोई कोरी कल्पना हो या असंभव शर्त दे रखी हो, तभी ये कंडीशन दोस्तों लागू होगी, अदरवाइज नहीं। बाकी सभी के साथ सब्जेक्ट के अनुसार ही, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल आएगी दोस्तों। कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं अपलोड करूंगा बना करके दोस्तों, तो डोंट वरी। अगला हम बात करेंगे रूल नंबर 12 की दोस्तों। दोस्तों अगले रूल में, रूल नंबर 12 में हम लोग बात करेंगे प्रोनाउन ऑर्डर की, और प्रोनाउन ऑर्डर हमारा क्या कहता है। अगला रूल प्रोनाउन ऑर्डर का है, मे बी पॉसिबल। कोई भी हमारा सेंटेंस है और उस सेंटेंस में अगर एक प्रोनाउन दे रखा है तो हम आसानी से दोस्तों उसके अनुसार वर्ब लगा लेते हैं, लेकिन अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आ जाए तब हम क्या करेंगे, तब हम प्रोनाउन को रखने का क्रम क्या होगा हमारा, और वर्ब हमारी कौन सी आएगी, ये हमको सोचना है। तो चलो हम बताते हैं, पहले तो ये बताओ, जैसे अगर मान लीजिए किसी भी सेंटेंस में ही आया तो आप सिंगुलर मान लीजिए ही इज लगा लिया, आई आया तो एम लगा लिया, यू आया तो आर लगा लिया दोस्तों। लेकिन अगर ये तीनों प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आ जाएं, जैसे यू, ही एंड आई करके आ जाएं, अब दोस्तों जब एक ही सेंटेंस में ये तीनों प्रोनाउन आ जाएं, अब वर्ब हमारा कौन सा आएगा और इन तीनों प्रोनाउन को रखने का क्रम क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो दोस्तों हम समझते हैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से, मान लीजिए हमारे पास एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन दे रखे हैं, एक से अधिक प्रोनाउन दे रखे हैं, तो उनका दो तरीके का क्रम हो सकता है दोस्तों। एक तो 231 प्लस गुड सेंस, ओके, और दूसरा 123 प्लस बैड सेंस। बैड सेंस से मतलब दोस्तों कहीं पर किसी भूल का जिक्र किया जा रहा होगा, दोष का जिक्र किया जा रहा होगा, पाप का जिक्र किया जा रहा होगा, या किसी अपराध का जिक्र किया जा रहा होगा, स्वीकार किया जा रहा होगा ऐसे वाक्यों में। तो ऐसे वाक्यों में अगर एक ही वाक्य में एक से अधिक प्रोनाउन आ जाए तो उनका क्रम 123 रखोगे। लेकिन अगर कहीं गुड सेंस की बात हो, पॉजिटिविटी की बात हो, पॉजिटिविटी की बात हो दोस्तों, तो हम वहां पर क्रम रखेंगे प्रोनाउंस को रखने का 231, और नेगेटिविटी की बात हो कहीं पर, नेगेटिविटी की बात हो दोस्तों कहीं पर, तो हम उसका क्रम रखेंगे 123। अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा दोस्तों। तो अब एक 231 क्या है, 231 का मतलब होता है पहले दोस्तों हम
सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रखेंगे, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रखेंगे, इसके बाद दोस्तों हम थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रखेंगे और लास्ट में दोस्तों हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रखेंगे। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रखेंगे, लेकिन अब हमको यह जानकारी होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा होता है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा होता है। फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमारे आई मी माई माई सेल्फ बी एस आवर आवर सेल्फ, और सेकेंड पर्सन की यू यू योर ओके योर सेल्फ, बाकी सभी हमारे कहां जाते हैं थर्ड पर्सन में जाते हैं, जैसे ही हिम हिज सी हर हर दे देम देयर इट इट इट्स नेम नेम नेम। दोस्तों ये पर्सन टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जब हम प्रोनाउन टॉपिक को पढ़ाते हैं तब आपको बड़ा डिटेलिंग इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर होता है, जो स्पीक करता है, बोलने वाला जो है वो फर्स्ट पर्सन का कहलाता है। सेकेंड पर्सन दोस्तों जो उसकी बात को सुनता है, यानी कि लिसनर, सेकेंड पर्सन कहलाता है, और जिसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। दोस्तों अब देखिएगा यहां पर इतनी चीज आपको समझ आ गई कि सबसे पहले सेकेंड पर्सन, मान लीजिए मैं यहां पर अब एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, और इस एग्जाम्पल में आपको एरर बताना है। क्या बताना है दोस्तों, आपको एरर बताना है हर तरीके से, और जैसे यू ही एंड आई आई यू एंड ही इज फ्रेंड। दोस्तों एक वाक्य हमने लिखा, अब आप ये बताइए क्या दोस्तों ये वाक्य हमारा ठीक है, कि ये तो पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया दोस्तों और ये हमारा वर्ब हो गया, क्या इस सब्जेक्ट से ये वाली वर्ब एग्री करती है, क्या ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रह गया। दोस्तों जब हम तीन लोगों की बात कर रहे हैं तो किसी भी हालत में ये सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं रहेगा, ये व्यक्ति एक नहीं हो सकता, ये अलग होगा, ये अलग होगा, यानी कि बोलने वाला अलग होगा, सुनने वाला अलग होगा, और जिसके बारे में बातचीत कर रहे होंगे वो व्यक्ति कोई भी थर्ड पर्सन में हो सकता है, यानी कि वो अलग होगा। तब जब ये अलग अलग है तो दोस्तों वर्ब भी अलग होगी ना, प्लूरल की आएगी। तो एक बात तो हमको कंफर्म है दोस्तों कि जब ये तीन है, तो जब तीन हो गए तो वर्ब हो गए प्लूरल, तो यहां पर इतना तो मुझे पता लग गया कि वर्ब जो भी आएगी दोस्तों वो प्लूरल फॉर्म में ही आएगी। लेकिन चलो एक तो एरर हमने पहचान लिया कि आर आएगा दोस्तों यहां पर, ठीक है, लेकिन क्या दोस्तों अभी भी कुछ है, जरूर है। अब हमको क्रम भी देखना रहता है दोस्तों, क्या देखना रहता है, क्रम में, यानी कि फ्रेंड से तो गुड सेंस वाली बात है, ओके, कोई शत्रु वगैरह नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, ओके, ये तो अच्छी अच्छी वाली बात है। जब ये पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों, पॉजिटिव सेंस में लिया गया है, तो इसका क्रम क्या होगा, 231 का क्रम होगा, यानी कि जब एक ही सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आ जाए तो उन प्रोनाउन को रखने का जो क्रम होता है वो दोस्तों 231 होता है। कब, जब वो गुड सेंस में इसका प्रयोग किया जा रहा हो। अब देखिएगा जब इसका प्रयोग 231 में, क्या देखो ये 231 के क्रम में लगा हुआ है, नहीं दोस्तों, पहले इसका मतलब पहले सेकेंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन, और लास्ट में सबसे फर्स्ट पर्सन जाना चाहिए। तो देखो दोस्तों ऐसा क्रम ये नहीं रखा है, पहले क्या है कि सबसे पहले सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन यू होता है, तो यू को पहले रखोगे, इसके बाद थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा, ही, तो दोस्तों ही, और इसके बाद दोस्तों क्या आएगा हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन एंड आई, और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी प्लूरल, तो आर फ्रेंड्स। बोलो दोस्तों आपको समझ आ गया अच्छे से। तो अगर हम दोस्तों इसकी बात करें तो हमारा रूल ये बैठता है 231 प्लस 231 गुड सेंस में हो तो वर्ब कैसी आएगी मेरे दोस्तों, प्लूरल वर्ब आएगी, कैसी आएगी प्लूरल वर्ब आएगी। 123 बैड सेंस के लिए होता है, लेकिन वर्ब यहां पर भी दोस्तों कैसी आती है,
प्लूरल वर्ब आती है। वर्ब हमेशा प्लूरल रहना है, सिर्फ क्या सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। गुड सेंस में है तो 231 का सीक्वेंस लगेगा, और बैड सेंस यानी कि अगर नेगेटिविटी का जिक्र हो रहा है तो 123 का। अच्छा दोस्तों, कहते हैं रटना नहीं है आपको, थोड़ा लॉजिक से समझा करिए, क्योंकि ग्रामर दो है टोटली लॉजिक पर बेस है, रटना कुछ भी नहीं है। आप आमतौर पर इसको देखिएगा दोस्तों, जब भी हम कोई ऐसी बात करते हैं पॉजिटिव, जैसे मैंने कहा मैं कोई परीक्षा क्रैक कर जाता हूं, कोई परीक्षा कोई एग्जाम पास कर लेता हूं, तो सबसे पहले ये हम कहते हैं कभी नहीं ये मेरी मेहनत थी, नहीं ना, हम क्या कहते हैं पहले सेकंड पर्सन को उसका क्रेडिट देते हैं। क्या कहते हैं, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से, या कोई भी जो होता है, मान लीजिए मैथ के टीचर है तो मैथ, इंग्लिश के टीचर है तो इंग्लिश के टीचर, या रीजनिंग या आपका जीएस, किसी के भी टीचर है, आप उनको क्या करते हो, सबसे पहले उनको क्रेडिट देते हो। जैसे मैच भी अगर जीतते हैं तो मैच में जीतने के बाद कप्तान को, कैप्टन को देखेगा सबसे पहले, मैच जीतने के बाद अपनी पूरी टीम को क्रेडिट देता, ऐसा तो नहीं कहता है नहीं मेरी वजह से मैच जीता गया, मैंने बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लिए इसीलिए मैच जीत गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना दोस्तों। तो यहां पर लॉजिक को समझिएगा, लॉजिक हमारा यही कहता है दोस्तों कि सबसे पहले अच्छी चीजों में हम सबसे पहले सेकेंड पर्सन को जो है क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं। जैसे मान लीजिए खाना खाने बैठते हैं, तो खाना खाने बैठने में हम क्या करते हैं, पहले आप खाइए इसके बाद मैं भी लेता हूं, पहले आप यानी कि तुम लो पहले इसके बाद मैं, तो ये तो हमारा मैनर हुआ। तो मैनर के सेंस में हमेशा सेकेंड पर्सन को पहले, और जब कोई मान लीजिए उस मैच को जीत, मैं हार जाता हूं और उसमें जो कमियां हैं, जो गलतियां की, जो भूल की हमने दोस्तों, तो उन सब का क्रेडिट कौन लेता है, कप्तान लेता है, और कभी कभी उसको कप्तानी से हटा भी दिया जाता है उसकी गलतियों के कारण। तो दोस्तों जब भी कोई नेगेटिविटी की बात आती है तो सबसे पहले कौन, मैं अपने आप को नेगेटिविटी के पर ले जाता हूं, अर्थात किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई गलती हुई, कुछ हुआ, या किसी तरीके से कोई दुर्घटना घटी, तो उसके लिए सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाता, अपने आप को मानना चाहिए। कहते हैं सबसे पहले गलतियों में खुद से सुधार करो, खुद को देखो। तो यहां पर वही सेंस है दोस्तों कि गुड सेंस में हमेशा किसको, दूसरों को आगे कर देते हैं, और जब मुसीबत या कोई हमारे लिए भूल या दोष आती है तो अपने आप को आगे कर लेते हैं। तो यहां पर समझ आ गया दोस्तों, क्या समझ आया एक बार जरा रिपीट कर दो जरा हमको यहां पर। देखिएगा दोस्तों, अगर हम यहां पर बात करते हैं 231 की, तो 231 प्लस कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। वर्ब कैसी लगेगी दोस्तों, प्लूरल वर्ब लगेगी। 231 में मतलब पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब मान लीजिए कोई दो ही दे रखे, तीनों नहीं दे रखे, एक वाक्य में दो प्रोनाउन दे रखे हैं, तो दोस्तों अगर ये सिक्वेंस 23 का बने 2-3, तो भी दोस्तों वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। और अगर दोस्तों ये 3-1 का सिक्वेंस बने तो भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। अगर दोस्तों 2-1 का सीक्वेंस बने तो भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल्स देखो दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यू एंड आई अब यहां पर आप डिसाइड करो यू कौन से पर्सन का है दोस्तों, सेकेंड पर्सन का, और आई कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का है। जब ये सेकेंड का है और ये फर्स्ट का है तो सीक्वेंस देखो दोस्तों काय का बन गया, 21 बना ना, और जब 21 बना तो वर्ब कैसे जाएगी, प्लूरल जाएगी। मान लीजिए हमने यहां पर ये प्लेइंग लिख दिया और हेल्पिंग वर्ब में दे दिया दोस्तों बाजे आप भर, यू एंड आई तुम और मैं खेल रहा था क्या। अब दोस्तों यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, डोंट वरी। अब देखो यू एंड आई
बाज आएगा या बर आएगा। दोस्तों एक एक नहीं हो सकते, हमेशा दो होंगे। जब दो होंगे तो वर्ब तो हमेशा ही प्लूरल आएगी। तो एक तो कंडीशन यह है कि जब भी एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन दे रखे हो तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। एक बात तो हमें गांठ बांध लेना है, चाहे हमारा गुड सेंस हो और बैड सेंस हो, सभी में वर्ब प्लूरल ही रहना है। और दूसरा दोस्तों अब हमें यह देखना है कि प्रोनाउन का सीक्वेंस कैसा है। क्वेश्चन यहां से भी पूछ लिया जाता है, कभी सीक्वेंस बिगाड़ देते हैं। तो देखो दोस्तों, जब गुड सेंस की बात हो, कहीं पर भी बैड सेंस की बात नहीं हो रही हो, ओके, तो यहां पर देखो यू एंड आई कैसा है। 21 यानी कि सबसे पहले सेकेंड, भाई 231 का बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि पहले सेकेंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन। तो देखो पहले सेकेंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन है, तो इसका मतलब सिक्वेंस भी हमारा ठीक है और वर्ब भी हमारी ठीक है। समझ आ रहा है दोस्तों? इसी तरीके से हम आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाएंगे। जैसे हमने कहा ही एंड आई वर वॉचिंग, ही एंड आई वर वॉचिंग। दोस्तों इसको एक बार देखो। इसके बाद हमने कहा मोहन एंड ही, मोहन एंड ही वर प्लेइंग। मान लीजिए या प्रेजेंट देयर लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप, वर प्रेजेंट देयर। जरा इसे चेकआउट करो, चेकआउट करो। देखो दोस्तों ये कौन से पर्सन का, थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। क्रम बना 31 का, 31 प्लस प्लूरल वर्ब, यानी कि टोटल इसी क्रम में रहेगा। बस ये ध्यान रखना 31 का बने तो भी वर्ब, यानी कि वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। ठीक है, यहां पर देखो सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन, काय का बन गया 23 का दोस्तों, और 23 का बनेगा तो भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। यानी कि हमारा सिक्वेंस भी यहां पर ठीक है। और आपको एरर वहां पे ऐसे डाल देंगे, ही एंड आई कर दिया। जब ही एंड आई कर दिया और ये इस तरीके से लिख दिया, तो वर्ब तो चलो ठीक है, प्लूरल वर्ब आ गई। जब एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन है तो वर्ब हमने प्लूरल रख ली, लेकिन इनका सीक्वेंस क्या ठीक है, हमारा ऑर्डर क्रम क्या ठीक है प्रोनाउन का, इसको देख लो, चेक कर लो। तो दोस्तों ऐसा तो कहीं है ही, 21 है, बिल्कुल है 21 में भी, यानी कि 231 इसमें भी, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर यहां पे ही एंड आई 31 हो गया दोस्तों, सॉरी ये क्या हो गया, ही थर्ड पर्सन हो गया, आई फर्स्ट पर्सन, तो ये 31 का हो गया और 31 में भी क्या है, प्लूरल है। ओके, तो कुछ भी अब यू कर दो दोस्तों तो भी आपका क्या है, 21 का क्रम बन जाएगा तो भी सही है। लेकिन अगर आई को इधर कर दें, आई एंड ही, तब ये क्या हो गया दोस्तों, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन यानी कि ये फर्स्ट पर्सन और ये थर्ड पर्सन और 13 का क्रम की कहीं जिक्र नहीं किया गया। तो बस यही ध्यान रखना, आपको 231 का क्रम याद बनाए रखना है। किसको याद बनाए रखना है दोस्तों, 231 प्लस प्लूरल वर्ब। अब 123 प्लस प्लूरल वर्ब कब होता है, बैड सेंस में। अब बैड सेंस की अगर हम बात करें, जैसे हमने कहा आई यू एंड ही, आई यू एंड ही, एक वर्ब रख लो यहां पर इज गिल्टी। क्या दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल ठीक लग रहा है, ये एग्जाम्पल ठीक है? देखो गिल्टी की बात कही जा रही है, गिल्टी तो नेगेटिव सेंस है। गिल्टी तो हमको तभी होगा ना जब हमने कोई बुरा काम किया होगा, तभी तो हम गिल्टी महसूस करेंगे। तो जब ये बैड सेंस की बात करें तो दोस्तों हमारा क्रम 123 का होता है, और जब 123 का होता है, जरा चेक कर लेते हैं, पहले क्रम चेक करो, फिर पहले तो सबसे पहले वर्ब चेक किया करो। तो हमको सबसे पहली गलती मिल गई कि वर्ब ही गलत लगी है। वर्ब कैसे आनी चाहिए दोस्तों, प्लूरल, क्योंकि जब किसी भी सेंटेंस में एक से अधिक प्रोनाउन आ जाए तो समझ लो वर्ब हमारी कैसे आनी है,
प्लूरल आनी है। अब प्रोनाउन का क्रम देख लिया करो, इधर वाले से बाकी के सेंस से पता लग जाएगा कि गुड सेंस है या बैड सेंस है, तो ये बैड सेंस है। और बैड सेंस की बात करेंगे तो हमारा क्रम जो होता है 123 प्लस प्लूरल वर्ब होगा। जब 123 प्लस प्लूरल वर्ब होगा, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि 13 प्लस प्लूरल वर्ब भी हो सकता है हमारा ये, 23 प्लस प्लूरल वर्ब भी हो सकता है हमारा ये। ओके, इसके बाद में 12 प्लस प्लूरल वर्ब भी हो सकता है, यानी कि इतने सेंस में भी हो सकता है, बट आपके दो दे रखे हो तो उसी सेंस में आपको लगा लेना है दोस्तों। अब इसे जरा चेक करो, ये फर्स्ट पर्सन का है बिल्कुल, ये सेकेंड पर्सन का है बिल्कुल, ये ही थर्ड पर्सन का है बिल्कुल। क्रम देखो 123 का आ गया दोस्तों। जब 123 का क्रम भी ठीक है, वर्ब भी हमारी प्लूरल लगी है, तो इसका मतलब ये वाक्य हमारा कैसा है? सही है बिल्कुल। कैसा है दोस्तों? एकदम सही है। अगले वाक्य की हम अगर बात करें दोस्तों, तो अगला वाक्य हमारा होगा, जैसे मान लीजिए आई यू एंड ही वर रॉबर्स, आई यू एंड, चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं, आई ही एंड यू वर रॉबर्स। दोस्तों ये वाक्य है हमारे पास, और इस वाक्य में देखिएगा कि एक से अधिक प्रोनाउन आए हैं। जब एक से अधिक प्रोनाउन है तो वर्ब हमारी प्लूरल होना चाहिए, तो प्लूरल वर्ब लगी है दोस्तों यहां पर, तो यहां तक तो ठीक है दोस्तों। लेकिन अब देख लेते हैं क्या सीक्वेंस ठीक है वाक्य में। जब रॉबर्स हैं तो दोस्तों रॉबर्स हमारा पॉजिटिव तो है नहीं, गुड सेंस तो है नहीं, नेगेटिव सेंस है, बैड सेंस है। जब ये बैड बात है, ओके बुरी बात है, तो दोस्तों क्रम 123 का होगा। तो आई फर्स्ट पर्सन, बिल्कुल सही बात। इसके बाद सेकेंड पर्सन का आना चाहिए, सेकेंड पर्सन क्या है? यू सेकेंड पर्सन में होता है, तो पहले यू को रखो और बाद में थर्ड पर्सन रखो दोस्तों, और इसके बाद इनके साथ वर्ब प्लूरल आएगी, तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन हमारा सही हुआ। तो अब समझ आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम बात करें, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, दोस्तों बताओ क्या आएगा? क्रम जरा एक बार देख लो, इसमें वाक्य में दो ही, एक ही सेंटेंस में दो प्रोनाउन दे रखे हैं, तो वर्ब कैसी आएगी दोस्तों? हमने क्या बताया? कमिटेड अ क्राइम, कोई दोस्तों क्राइम कर रहे हो, तो ये क्राइम करना अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। जब बुरी बात है दोस्तों, क्रम कैसा होगा? 123 का होगा। 123 में देखो, फर्स्ट पर्सन पहले, इसके बाद दोस्तों सेकेंड पर्सन दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, यानी कि क्रम हमारा बिल्कुल ठीक है ऊपर। और थर्ड पर्सन नहीं दे रखा, तो जो नहीं दे रखा उसे छोड़ दो दोस्तों। इसके बाद में वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल दे रखी है, इसका मतलब ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला अगर हम बात करें, एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए दूंगा, आपको बताना है उसके साथ दोस्तों वर्ब कैसी रखोगे तुम लोग, ठीक है? अगर हम बात, दो वाक्य हम लिख रहे हैं, जैसे यू एंड ही, यू एंड ही डैश सिनर्स, सिनर का मतलब होता है दोस्तों पापी, और पापी उसी को कहते हैं जो बुरा व्यक्ति होता है। ओके, तो यहां पर इज आएगा या आर आएगा, दोनों में से चुनाव करके आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और वाक्य दे रहे हैं, आई एंड, सॉरी ही एंड आई, दोस्तों यहां पर वर्ब आपको फिल करना है, और गिल्टी, जी यू आई एल टी वाई, गिल्टी, और वर्ब यहां पर दोस्तों भरा जाएगा बाज या बर। तो ये डिसाइड करिए, और ये भी देखिए क्या इनका जो प्रोनाउन क्रम है दोस्तों वो ठीक है या नहीं, ये भी आपको चेकआउट करना है। प्रोनाउन क्रम भी देखना है, प्लस में इनकी वर्ब भी ठीक से भरना है। ओके, जय हिंद जय भारत दोस्तों। अगला रूल नंबर 13, अगली वीडियो में बात करेंगे।